in the present continuous tense. Phrase are jari. Continuous ki maini jari. Ye wo tense hai which show the action which is going on, which is continued. It shows the action which is going on. Going on मतलब जारी है. Present continuous tense वो काम दिखाता है जो जारी. I am playing, मैं खेल रहा हूँ. कब? At the moment, मौजूदा वक्त में. मैं कहता हूँ he is reading, वो पढ़ रहा है. कब? अभी की बात हो रही है. ये कुछ टाइम पहले की बात नहीं हो रही, कुछ वक्त आने वाले टाइम की बात नहीं हो रही. अभी at the spot when I am speaking, he is doing that work. जब आप बात कर रहे हो, कोई काम जारी हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. कंटिन्यू के जितने भी टेंसेस हैं, उसमें हम उर्दू में रहा का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप कहते हैं कि रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है वगैरह. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू जुमलों में आता है. और वी यूज आईएनजी फॉर्म, इसको हम इंग भी कहते हैं. इन फॉर्म जो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं. मिसाल के तौर पर इसको जुमले इस तरह में खाना खा रहा हूं. आई एम ईटिंग फूड. वो खत लिख रहा है. ई इज राइटिंग अ लेटर. तुम स्कूल जा रहे हो. यू आर गोइंग टू स्कूल. इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूं बेटा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं सादा जुमलों में भी. और तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज है, आर है और एम है. इनके बगैर हमारे जो जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, वो मुकम्मल नहीं होते. इज हम ई के साथ लगाते हैं, शी के साथ लगाते हैं और इट के साथ और सिंगुलर के साथ. आर जो नाम वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और जमा यानी प्लूरल के साथ. एम जो है ना वो सिर्फ हम आई के साथ लगाते हैं. यहाँ पे आप देखिए जब हमने सब्जेक्ट आई इस्तेमाल किया तो उसके साथ एच पी यानी हेल्पिंग वर्ब हमने एम इस्तेमाल किया. यहाँ पे जब हमारा सब्जेक्ट ई था तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अगर यू है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब जो ना आर का इस्तेमाल किया. अब देखो ये इस जुमले में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. ये ई सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग जो ना वर्ब आई एन जी फॉर्म, और ये ए आर्टिकल है और ये ऑब्जेक्ट है. इसी तरह ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट. इन जुमलों को जब हम सवालिया बनाते हैं, हमें किसी और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है. सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब की जगह प्लेसमेंट को चेंज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह बैग और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जाकर जब आप इंट्रोडक्टिव जुमले बनाते हो. ये इंट्रोडक्टिव जुमले बनाने के लिए आपने क्या करना है, खाली आपने हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज करनी. आई एम ईटिंग फूड, ये सादा जुमला, इसको इंट्रोडक्टिव जब आप बनाएंगे तो एम पहले आएगा. एम आई ईटिंग फूड, ये क्वेश्चन मार्क आखिर में आएगा. आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं. क्या मैं खाना खा रहा हूं? एम आई ईटिंग फूड. ई इज राइटिंग अ लेटर. अब ये इज चूंकि हेल्पिंग वर्ब, ये शुरू में आएगा ई की जगह पे और ई सब्जेक्ट जो ना वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जाएगा. इज ई राइटिंग अ लेटर. अब यू आर गोइंग टू स्कूल, आर पहले आएगा. आर यू गोइंग टू स्कूल, ये और एक क्वेश्चन मार्क आखिर में आएगा. इनको अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है. क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव किसी भी टेंस का फिक्र आप बनाते हो, खाली नॉट के जरिए आप नेगेटिव जुमला नहीं बना सकते. नेगेटिव जुमलों में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है.
मिसाल के तौर पे ये जुमला आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, ये जुमला है कि ई इज राइटिंग अ लेटर, ई इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तीसरा जुमला कि यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम इस तरीके से इनके जुमले लिखते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर।